हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। मैं चेतन पाटिल। आज के इस संडे के सेशन में, संडे कमेंट बॉक्स में आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि हर संडे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहाँ पर आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। चुनिंदा इसलिए क्योंकि कई सारे सवाल होते हैं जिनमें से सभी को लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए चुनिंदा ही मैं ले पाता हूँ। ऐसे सवाल जिसमें आपको भी कुछ सीखने को मिले और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी कुछ जो है वो जानकारी प्राप्त हो। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। अविता वर्मा जो है, इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि इनके पास एक्टिवा 6G है और ये जो इनका पर्टिकुलर होंडा का जो सर्विस सेंटर होता है वहीं से ही सर्विस कराते हैं और ये मैनुअल बुक के हिसाब से ही सर्विस कराते हैं। इनका सवाल ये है कि जो शोरूम पे, यानी कि जो आपका सर्विस सेंटर होता है, इन्होंने होंडा का पूछा है, या फिर कोई भी, वहाँ पे जो ऑयल डाला जाता है वो उसी कंपनी का डाला जाता है। अगर बजाज के सर्विस सेंटर में आप जाते हो तो बजाज का डाला जाता है, टीवीएस वालों का अपना अलग आता है, केटीएम वगैरह सबका अलग आता है, होंडा का भी उनका अपना ऑयल होता है जो कि वो डालते हैं, इनफैक्ट रिकमेंड भी करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये जो इंजन ऑयल डाला जाता है ये ओरिजिनल होता है या फिर डुप्लीकेट होता है, यानी हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं किया जाता है। तो देखो, मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैक्सिमम जो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आपको डेफिनेटली चार्ज तो लगाए जाते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा से लगाए जाते हैं, टैक्सेस वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि होते ही नहीं है। जो ऑथराइज होते हैं, जो भरोसेमंद होते हैं, उन पे फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, या फिर यूँ कह लो कि वहाँ फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो मतलब छोटे हैं, नए नए शुरू हुए हैं, प्रॉफिट के चक्कर में कुछ लोग हैं, या काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, प्रॉफिट के चक्कर में कुछ जगह पे आपको जो ऑयल है वो ख़राब डलवा देते हैं, यानी कि डुप्लीकेट भी डलवाया जा सकता है। अब इसे कैसे पहचाने? तो देखो, YouTube पर ऐसे कई सारे वीडियोस अवेलेबल है कि ऑयल के डब्बे को देख करके या फिर ऑयल की विस्कोसिटी को देख करके, उसकी चिकनाहट को देख करके पता चल सकता है कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, और फिर कई सारे टेक्निकल टर्म्स उसके अंदर ऐड हो जाते हैं ऑयल की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए। तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इनफैक्ट बना के आपको दे भी दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप बाकी जगह से रेफरेंस ले सकते हो कि ऑयल की जो ओरिजिनलिटी है वो कैसे चेक करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो है सुधीर पतंगे, पतंगे ऐसा कुछ नाम है इनका, माफ करना नाम लेने में गड़बड़ी हो गई। तो और ये सुधीर जी ने मुझसे पूछा था कि इन्होंने अभी अभी 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले होंडा का यूनिकॉर्न जो 160 cc में आता है होंडा की तरफ से, वो गाड़ी परचेज किया था। अब जब ये गाड़ी परचेज किया है तो इसे चलाते वक्त या फिर चलाने के बाद जब रुकते हैं तो जो गाड़ी में से है वो टक टक आवाज़ें आने लग जाती है, यानी किट 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 इस तरह की कुछ आवाज़ें आती है। देखो, ऐसा है तो इनका सवाल है कि ये क्यों आता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इंजन के अंदर? तो देखो, ऐसा है कि इस क्वेश्चन के ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पूछा है तो मेरा दायित्व बनता है कि आपको यहाँ पे भी जवाब दे दूँ। तो देखो, ऐसा है कि ये जो आवाज़ आती है ये आपके कैटकॉन, कैटालिटिक कन्वर्टर, जहाँ ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है, वहाँ से आती है, इंजन के अंदर से नहीं आती है। ये आवाज़ें नॉर्मल है, ये कुछ समय तक चलती है, उसके बाद ये बंद भी हो जाती है गाड़ी ठंडी होने के बाद। तो ये ऐसा कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आपकी गाड़ी जैसी चल रही है चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नाम इनका कुछ अलग इन्होंने लिख रखा है, MLS या फिर MK सैंपल ऐसा नाम है इनका। नाम इनका अलग हो सकता है, ये भले ही इनके चैनल का या फिर ID का नाम हो सकता है। खैर, तो इन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि इनके पास 2019 की BS4 वाली स्प्लेंडर प्लस है, हीरो की तरफ से जो आया करती है, और उसमें RC बुक में कुछ पैंथर ब्लैक नाम का, यानी कलर जो है वो गाड़ी का है, RC में भी यही लिख रखा है। अब ये पूछ रहे हैं कि मुझे रेड ब्लैक स्टिकर्स लगा के इस गाड़ी के बॉडी की जो बनावट है, बनावट नहीं कह सकते, कलर कॉम्बिनेशन है, वो चेंज करना है, तो क्या ये कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या ये लीगल है या फिर ये इलीगल है? तो देखो ब्रदर, ऐसा है कि ये लीगल है या फिर इलीगल है, ये चीज़ें मुझसे बेहतर आपको RTO की वेबसाइट जो है वो ज़्यादा बता पाएगी, डेट में बता पाएगी, नॉलेज आपको जो है वो डिटेल में मिल पाएगा वहाँ पे।
जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि ये इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरसी बुक में जैसे गाड़ी का अवतार बताया गया है, जैसा मेंशन किया गया है, बिल्कुल वैसी ही गाड़ी आपकी रोड पे दौड़नी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, आरटीओ अगर आपको पकड़ता है और फिर गाड़ी में अलग मॉडिफिकेशन से जो आरसी में है वो रोड पे नहीं है, यानी गाड़ी दिख नहीं रही है उस तरह से, तो ये इलीगल माना जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हो। अगर आप जैसे मुंबई है, पुणे है, ऐसे या फिर बेंगलोर है, चेन्नई है, बड़े बड़े सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर आप रहते हो, तो वहाँ पर कायदे कानून रूल्स सख्त होते हैं। अगर आप गांव के अंदर ही चलाते हो तो, या फिर तालुका प्लेसेस आप कह सकते हो, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब ये आप चला सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये मत करो, आपको ऐसा करने से, ये तो इलीगल तो है फॉर श्योर, ऐसा नहीं आप कर सकते हो। अगर करना है तो आरटीओ की परमिशन से ही आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर फाइन आपको लग सकता है। फिर भी आप एक बार आरटीओ की वेबसाइट पे जाकर महाआरटीओ, आप जहाँ पे रहते हो, आप कहाँ रहते हो मुझे पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र की बात करो तो महाआरटीओ.in .go.in government.in ऐसा कुछ वेबसाइट का उनका लिंक है, वो यहाँ के लोग देख सकते हैं। आपके, आप बिहार में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, पंजाब में रहते हो, जहाँ भी रहते हो पता नहीं, तो वहाँ की अलग वेबसाइट होगी, आप जा करके वहाँ विजिट कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। इनफैक्ट आप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट भी आरटीओ वालों को कर सकते हो और ये सवाल जो है आपका पूछ सकते हो। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से ये लीगल नहीं है, क्योंकि गाड़ी जैसे आरसी में है वैसे ही रोड पर दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको फाइन लगना ही लगना है। अब अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस ऐसा कुछ है, और ये पूछते हैं, इनका नाम पंकज है एक्चुअली, इन्होंने पूछा है, वो बिहार से बिलोंग करते हैं, ये पूछ रहे हैं कि शाइन यसपी में ड्यूल डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं क्या, और अगर लगा सकते हैं तो इसमें क्या परेशानियां हो सकती है, और अगर मान लो लगा लिया तो क्या इससे वारंटी भी आपके गाड़ी की रद्द हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो देखो पंकज जी, ऐसा है, डेफिनेटली वारंटी तो आपकी चली ही जाएगी। वारंटी पीरियड के दौरान गाड़ी में किसी भी तरह का कोई मेजर मॉडिफिकेशन आप अगर करते हो तो वारंटी डेड हो जाती है, ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर है, ऐसा ही होता है। दूसरा देखो, शाइन यसपी ये एक ऐसी गाड़ी है जिसकी ब्रेकिंग मैं कहूँगा ठीक ठाक है, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ना ही ज़्यादा घटिया है ऐसा, और इसमें फ्रंट में तो डिस्क आती ही आती है। फिर भी आप कह रहे हो कि रियर में डिस्क लगाने से लगा सकते हैं या फिर नहीं, लगा तो आप सकते हो, मॉडिफिकेशन किसी भी तरह का पॉसिबल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि आप मत ही लगाओ, क्योंकि देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, आप डिस्क अगर लगा लोगे तो ब्रेक जो है वो काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स उसका हो जाएगा, अर्जेंट ब्रेक जो है वो आपके लगेंगे। बारिश के दिनों में क्या होता है, ये गाड़ी वैसे ही पतले टायर्स के साथ आती है, आगे और पीछे दोनों जगह सेम टायर्स आपको मिल रहे हैं, और फिर अगर रास्ते चिकने हैं और स्पीड में, यानी आप मान लो ज़्यादा स्पीड भी नहीं, 60-70 किलोमीटर या फिर 70-75 किलोमीटर की स्पीड पे भी आपने अर्जेंट ब्रेक पिछला लगा दिया तो गाड़ी स्कीड होती है, ड्रम के साथ होती है, तो डिस्क की तो बात ही अलग है, वहाँ तो स्कीड होनी ही होनी है, तो आपके गिरने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मत लगाओ। फिर भी आप अगर लगाना चाहते हो तो ये आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ब्रेक कैसे लगाने चाहिए, कौन से वाले रास्ते पे, तो आप लगा सकते हो, इसमें कोई दोराया नहीं है। लेकिन लगाने के बाद आपको या तो टायर की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी या तो ब्रेकिंग संभाल के यूज़ करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपने वारंटी का तो बता ही दिया मैंने, तो वो तो आपकी वैसे भी चली जाएगी। तो यही कुछ प्रोज कॉन्स आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था, एक्चुअली उन्होंने मुझसे एक सवाल जो है वो पूछा था कि भाई आप आजकल वीडियो कम क्यों डाल रहे हो। देखो ऐसा है, इनका मतलब गोल्डन हार्ट, इन्होंने जो है वो ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि फिलहाल मैं पुणे से मुंबई में शिफ्ट वापस शिफ्ट हो चुका हूँ, पहले भी रहता था और फिर बाद में 4-5 साल पुणे में रहा, अब वापस इधर शिफ्ट हो गया, और फिर जॉब तो मेरा चेंज ही हो गया। इसके अलावा जो अभी फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हो कि ये थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से मेरे को टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी कम मिल पा रहा है। संडे के दिन ही एकलौता ऐसा दिन होता है संडे, उसमें मिलता है, तो आप समझ सकते हो एक वर्किंग मैन जो होता है उसमें एक ही दिन की छुट्टी उसके लिए कितनी अहमियत रखती है, बाकी चीज़ें भी होती है, बाकी छोटे बड़े काम भी होते हैं। तो लेकिन फिर भी ये, चलो मेरे अपने पर्सनल रीज़न है, आपको कंटेंट चाहिए उससे ही लेना देना है, बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, कहूँगा या फिर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि
धीरे धीरे मैं चीजें रोल आउट करना शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर दिन तो नहीं लेकिन हफ्ते में 2 से 3 या फिर 4 वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिले, चाहे वो आउटडोर हो, इंडोर हो, इन्फॉर्मेटिव हो, बाइक रिव्यू हो, कार रिव्यू हो, तरह तरह की जो भी अपने चैनल की स्पेशलिटी है उस हिसाब से। फिर भी आप लोगों ने अब तक जो प्यार बनाए रखा और इस तरह का जो सवाल अगर पूछा जाता है तो मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि हाँ आप लोग मिस कर रहे हो मेरे वीडियोज़ को, मेरी स्पीच को, मेरे जो मैं नॉलेज आप लोगों को देता हूँ बाइक, ऑटोमोबाइल और कार से रिलेटेड जो भी है। तो ऐसा है, मैं तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का सबका करना चाहूँगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखे। और बस अगले संडे के लिए कुछ सवाल अगर है आप तो पूछ सकते हो। अभी तक मैंने जो सवालों के जवाब दिए उसमें भी आपके कुछ सवाल है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। नीचे लिंक है इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक की, वहाँ पर जाकर फॉलो करके आप अपने सवाल जो है पूछ सकते हो, वहाँ पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। फॉलो करके ही पूछना, विदाउट फॉलो करे हुए लोग अगर सवाल पूछेंगे तो वो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वैसे कई सारे लोग होते हैं, तो फॉलो करके प्लीज़ फॉलो करके ही पूछना। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी ने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।